बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइज हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइज आज की वीडियो इस्लामिक यूट्यूब चैनल से है और वीडियो का टॉपिक है खूबसूरत औरत देख कर दिल क्यों मचलता है बाय मुफ्ती तारिक मसूद। ऐसा बयान या इस बारे में कोई मुफ्ती साहब से ही पूछ सकता, मुफ्ती साहब ही इसका आंसर कर सकते हैं। वैसे आप भी बताना क्या एक्चुअल में ऐसा है, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना कि क्या खूबसूरत औरत को देख के दिल मचल जा है या नहीं है, वो भी बताना। हालांकि इस्लाम में भी बोला गया कि ना नज़र की हिफाजत करनी चाहिए, बट कहीं ना कैसे नज़र पड़ी जाती है। अगर कोई आपके आसपास है या कोई आपके साथ जॉब कर रहा है या कुछ है तो नज़र पड़ ही जाती है, बट फिर भी नज़र की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो है और मुफ्ती साहब का अपना खुद का चैनल है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, आप चाहो तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, फरमाया हमने मर्दों के लिए बहुत सारी चीजों को अट्रैक्टिव बना दिया है, शहवात का माना मुश्तहा बना दिया है, उनका दिल उसे देख के उसकी तरफ माइल होता है। उनमें अल्लाह ने बहुत सारी चीजें बयान की। सबसे पहले नंबर पे अल्लाह ने औरत को बयान किया मिनन निसा, यानी मर्द गोल्ड देखकर इतना नहीं मचलता। किसी की लंबी गाड़ी देख के ऐसा दिल नहीं चाहता कि ये गाड़ी मुझे मिल जाए। किसी का बंगला देख के दिल चाहता तो है मगर इतना नहीं जितना औरत देख के दिल मचलता है कि ये मुझे मिल जाए। ये अल्लाह बयान कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। यहां पे मौली साहब कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं मेंबर पे बैठ के। मुझे तो लोग कहते हैं ना तोहमत लगाते हैं मुझ पर कि ये क्या बातें छेड़ते हैं बैठ के, तो मैं हकायक बयान कर रहा हूं। कबूतर अगर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले और ये समझे कि मैं बिल्ली को नजर नहीं आ रहा जैसे मुझे बिल्ली नजर नहीं आ रही, तो ये कबूतर की बेवकूफी है भाई। तेरे आंखें बंद करने से बिल्ली की थोड़ी आंखें बंद हुई है। ये इस पे डॉक्टरों का भी इत्तेफाक है और ये मुशाहिदा भी। नहीं तो अपना अपनी अपनी हालत देख लो ना मेरे भाई, जितने लोग यहां बैठे हैं नेक परहेजगार, चार महीने भी तबलीग में लगे हुए, जब कोई खूबसूरत औरत गुजरती है तो दिल चाहता है ना कि ये मुझे मिल जाए। तो पैसे नहीं है इसलिए नहीं, उनको पता है कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, दिल तो चाहता है। हमारे हजरत थे, उनके खलीफा बूढ़े से हो गए थे, बड़े नेक अभी भी हैं वो खलीफा, जिंदा है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो किसी ने बताया, आलिम ने हजरत को खत लिखा कि मेरा बनात का मदरसा है, लड़कियों का मदरसा है, तो मैं जब पढ़ाता हूं सबक तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि इनमें से कोई मुझे भी मिल जाए। तो हजरत ने फरमाया कि देखो जो अंदर की बात थी दिल की उन्होंने बयान कर दी। तो वो बूढ़े से गुजर बैठे हुए थे, हजरत ने फरमाया, बड़े शरीफ हैं, बहुत शर्मीले भी हैं, अभी भी माशाल्लाह जिंदा हैं। हजरत ने फरमाया इन्होंने तो ये लिखा है, आपका क्या ख्याल है, अगर आपको बनात का मदरसा में बना के दे दूं आपका भी दिल चाहेगा ना इनमें से कम चार छह आपके हिस्से में आ जाए। दो तीन दफा सवाल पूछा, वो जवाब नहीं दे रहे थे, शर्म आ रही थी उनको। फिर जब ज्यादा हजरत ने पूछा तो उन्होंने हल्की सी गर्दन हिलाई, जी ठीक है, शर्मी लेते गर्दन हिलाई कि जी दिल तो मेरा भी चाहेगा। तो फरमाया देखो सूफी, ऊपर से सूफी बना हुआ है, अंदर से देखो कैसा ही। तो हजरत तो उनसे मजाक कर रहे थे लेकिन ये हकीकत है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, सबसे ज्यादा दिल कहां माइल होगा औरत की तरफ। वल बनीन, उसके बाद मर्द के लिए सबसे ज्यादा मरहूब अपनी औलाद है, औलाद के लिए माल दाव पे लगा देता है, माल का नंबर औलाद के बाद। देखा है ना, बेटे की तालीम के लिए, बेटे को तरक्की के लिए बाप कितना खर्च कर देता है, क्योंकि औलाद देके इंसान के जो है ना खून बढ़ता है। आगे फरमाया वल बनीन वल कनातीरिल मुकंतरा, सोने के ढेर, बैंक बैलेंस, ये तीसरे नंबर पे। वल खैलिल मुसव्वमा, सवारी, चौथे नंबर पे। सवारी जो है ना, ये कौन से नंबर पे, गाड़ी, अच्छी गाड़ी हो मेरे पास, छिंची में मैं सफर ना करूं, W11 से मैं करोला पे आ जाऊं, ये सारी ख्वाहिशात हर इंसान की होती है। मैं सुबह निकलूं तो मेरा ड्राइवर हो, मैं गाड़ी में बैठूं और लंबी सी गाड़ी हो मेरे पास, ये कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। वल अनाम वल हर्स, फिर तिजारत के जो जराए हैं, बिजनेस मेरा अच्छा हो, दौलत बजात खुद मकसूद, और दौलत के जो जरिया है ना, जो कमाने का जरिया, वो भी मकसूद होता है। दौलत तो है मगर जिस तरीके से दौलत आ रही है वो तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। एक आदमी की तनख्वाह 1,00,000 रुपए है, ये 1,00,000 कमा लेता है और काम क्या है उसका, मिसाल के तौर पर वो कसाई है, और एक आदमी 1,00,000 कमा लेता है शोरूम में गाड़ी का, तो जाहिर है वो
चाहेगा कि मेरा शोरूम होता और मैं इतना कमा लेता, इसमें ज्यादा सहूलत है। तो जराए असबाब दौलत के, ये चौथे नंबर पे, दौलत पहले है असबाब बाद में। तो अल्लाह ताला ने यहां सबसे पहले किस चीज को जिक्र किया, औरत को। तो ये एक हकीकत है कि जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने मर्द के लिए जिस अट्रैक्टिव जिस चीज को बनाया उसकी हिफाजत का इंतजाम ना उसको मर्दों में ऐसे ही छोड़ दिया जाए, ये मेरे भाई गोरों की अकल तो ये हिदायत देती है कि ऐसा करो। कोई भी सलीम तबा इंसान इसको गवारा नहीं कर सकता कि जो दुनिया की मरगूब तरीन चीज है उसको ऑफिस में मर्द के साथ लाके बिठा दिया जाए और कोई पाबंदी ना हो, सुबह शाम उससे गप्पे मारे, सुबह शाम उससे बातें करे, SMS बाजियां हो उसके साथ और जो चाहे बोलो, कोई पाबंदी नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें उस औरत की तौहीन है, मर्द के तो मजे हैं, मर्द के मजे हैं, उसका टाइम पास हो रहा है, वो छुट्टी नहीं कर रहा ऑफिस से। हाँ जी तो मेरे को लगता नहीं, सीधा सीधा मुझे आपने इसका जवाब दिया है कि खूबसूरत खुद को देखकर दिल को मचलता है। एक ये कहानी बताई कि कोई नॉन में था उनके, उनका लड़कियों का मदरसा था जहाँ पर लड़कियाँ आती थी और उनको वो बयान सुनाते थे, बट उनका भी दिल मचलता था कि इनमें से कोई ना कोई दो तीन या हद चार मेरे को मिल जाए। सीधा पाँच छः बोलते हैं तो चार छः बोल रहे थे, हालांकि इस्लाम में चार छः ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, एक बारी में चार होने चाहिए, अगर आपका डिवोर्स हो गया तो फिर वो चार अलग अलग भी हो सकती हैं, बट चार से चार एट द मैक्सिमम। पहले एक तो ले लो, पहले एक तो ले लो, सही बात है। तो वो बताया और वाकई में एक खूबसूरत औरत को देखकर दिल मचलता है, बट हमें अपने दिल पर काबू करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, अपने दिल पर कंट्रोल होना चाहिए और काबू होना चाहिए। मतलब मैं एग्जैक्टली ये कहने वाली थी कि मतलब कि जो अपने सेंस पे काबू कर जाए ना, उससे बड़ा कोई नहीं होता, उससे महान किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अपने इंद्रियों पर काबू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली दिल। तो जो दिल पे काबू कर जाए वो मेरे ख्याल से सारी सक्सेस उसके पास होती है, उसके कदमों में होती है। जिस जो कोई बंदा भूखा है उसके सामने खाना आ जाए ना, वो और उस अपने आप को रोक ले खाने से, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल क्या होता है, दुनिया इतना भर भर के खाती है, फास्ट फूड से अपने आप को परहेज करना चाहिए। अगर आपके सामने 10 बंदे फास्ट फूड खा रहे हैं, आपको भी ऑफर किया गया है, तो कोशिश यही कीजिए कि मना ही कीजिए कि फास्ट फूड तो नहीं खा सकता, क्योंकि किसी का घर का खाना है तो फिर भी चल सकता है एक बार के लिए, बट फास्ट फूड से थोड़ा गैप करना चाहिए। मतलब वही है कि रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर काबू नहीं किया जाता, बट जो कर ले तो फिर वो तो बढ़िया है। वो वाकई में वो वही, फिर वो ऐसा कि वो दुनिया ही जीते लेता है। हाँ, जो जिसका अपने आप पे काबू है ना, जिसे पता अपने आप को, क्या कभी आसान नहीं है। अगर आप कुछ सपोज आप जिम भी कर रहे हो तो भी आपको बहुत दिन ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं, तो बंदा वही है जो एक भी दिन मिस ना करे, अपने आप पे उसका काबू होना चाहिए। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उन्हें जाना है तो जाना ही जाना है। ठंड हो, आज का काफिल तो ये होता है कि भाई ठंड हो गई यार बहुत ज़्यादा, तो अब नहीं जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो बस वही काबू होना चाहिए, जाना है तो जाना है और काबू रखना है तो काबू रखना है, दिल को मचलने नहीं देना। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। इस्लामिक यूट्यूब चैनल से थी ये वीडियो, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।